हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। रिंकू टेस्टी किचन में आप सबका स्वागत करती हूँ। तो आज बनाएंगे सूजी और आलू से बहुत ही टेस्टी कुरकुरा चटपटा गर्मा गर्म नया नाश्ता, बिना झंझट कम खर्च में बहुत ही आसानी से बनेंगे। तो चलिए इस रेसिपी को एक बार क्यों ना बनाया जाए। रेसिपी मेरी अच्छी लगे फ्रेंड्स तो प्लीज़ लाइक करें। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ। इस टेस्टी कुरकुरा नाश्ता को बनाने के लिए सबसे पहले इसकी स्टफिंग तैयार करेंगे। तो यहाँ पर 4 पीस उबले हुए आलू लिए हैं। आलू मीडियम साइज के हैं। आलू को छील कर इसे हाथों से चूर लेंगे या फिर पोटैटो मैशर से भी इसे मैश कर सकते हैं। यहाँ पर आलू को अच्छी तरह से चूर लेंगे। तो अब यहाँ पर गैस पे कढ़ाई चढ़ाएंगे। कढ़ाई जब गर्म हो जाएंगे तो उसमें 3 से 4 चम्मच तक तेल डालेंगे और यहाँ पर डालेंगे 1/2 चम्मच के लगभग पचफोरन। पचफोरन डालते समय इसका वीडियो स्किप हो गया है और इसमें बारीक कटे हुए लहसुन हरी मिर्च डाल देंगे। 2 चम्मच डालेंगे बारीक कटे हुए प्याज और अब इसे मीडियम या हाई फ्लेम पे भून लेना है। थोड़ा सा इसे चला लेंगे और इसे ज़्यादा सुनहरा कलर नहीं करने हैं, थोड़ा सा ही इसे भूनेंगे। अब इसमें थोड़ा सा डालेंगे गोलकी पाउडर 1/2 चम्मच से थोड़ा सा कम और 1/2 चम्मच डालेंगे जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच डालेंगे हल्दी पाउडर और 1/2 चम्मच डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर जिससे थोड़ा सा कलर आएगा, और 1/2 चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा नमक डालेंगे। नमक अपने स्वाद अनुसार ही डालें और इन सभी को डालकर थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। सूखे मसाले बहुत जल्दी ही भून जाते हैं। अब यहाँ पर उबले हुए आलू जो थे उसे मैश कर लिए थे, आलू को डाल देंगे और अब इसे मिक्स करते हुए भून लेना है। आलू मसाला को जितनी अच्छी तरह से भूनेंगे हमारा आलू मसाला उतना ही टेस्टी लाजवाब बनेगा। और यहाँ पर देखिए 2 से 3 मिनट लगे हैं इसे भूनने में। अब बारीक कटे हुए धनिया के पत्ते डालकर इसे मिक्स कर लेंगे। धनिया के पत्ते अगर नहीं हैं तो इसे स्किप कर सकते हैं। और यहाँ पर आलू मसाला तैयार है तो गैस को कर देंगे बंद। अब यहाँ पर उसी कढ़ाई को धोकर चढ़ा लिए हैं और 1 कप डालेंगे इसमें पानी। पानी जब थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तब इसमें 1/2 चम्मच डालेंगे चिली फ्लेक्स, 1/2 चम्मच डालेंगे साबुत जीरा, 1/2 चम्मच डालेंगे नमक और अब इसमें बारीक कटे हुए धनिया के पत्ते डाल दें। इन सभी को डालने से हमारा नाश्ता टेस्टी भी बनेगा, देखने में भी खूबसूरत लगेंगे। अब पानी खौल गया है तो यहाँ पर 1 कप सूजी डालेंगे। 1 कप पानी में 1 कप से थोड़ा सा कम है सूजी, तो सही मेजरमेंट से अगर बनाएंगे तो नाश्ता परफेक्ट बनेंगे। गैस को एकदम लो कर दिए हैं सूजी डालने के बाद। सूजी डालने के बाद बहुत जल्दी पक जाते हैं तो यहाँ पर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसे तब तक चलाएंगे जब तक इसका पानी सूख ना जाए। सूजी अच्छी तरह से पक गए हैं, अब गैस को कर देंगे बंद और इसे थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। अब यहाँ पर 1 प्लेट में थोड़ा सा तेल ले लिए हैं, यहाँ पर रिफाइंड तेल डाले हैं और अब इसमें पके हुए सूजी को डाल देंगे। और इस तरीके से जब तेल डालेंगे तो इसे मैश करने के बाद ये चिपकेंगे नहीं। अब सूजी थोड़ा सा गर्म है तो इसे मसल कर मिक्स करना है। सूजी में बहुत सारी गुठलियाँ आ जाती हैं तो गुठलियों को हटाते हुए इसे मिक्स करेंगे और एकदम सॉफ्ट डो की तरह बना लेंगे। तो अगर सूजी का डो बनाते समय थोड़ा सा ये हार्ड लगे तो इसमें हाथों में थोड़ा सा पानी लेकर इसे सॉफ्ट बना सकते हैं और इसे डो की तरह बना लेंगे। देखिए एकदम सॉफ्ट हो गए हैं। तो अब यहाँ पर आलू मसाला को भी प्लेट में निकाल लिए हैं। आलू मसाला को हाथों में लेकर इस तरह से इसे बॉल बना लेंगे। इस तरीके से बना लेने से जब नाश्ते बनाएंगे तो एकदम आसानी से बन जाएंगे, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। और यहाँ पर सूजी के डो भी तैयार हैं तो इसमें से थोड़ी मीडियम साइज़ की लोई ले लेते हैं और हाथों में रख कर इसे गोल कर लेंगे और एकदम हल्के से गोल कर इसे डोरी शेप में बना लेने हैं। दोनों अंगूठों को बीच में रख कर इस तरीके से यहाँ पर देखिए इसे कटोरी शेप में बना लिए हैं और एकदम परफेक्ट डो रहेंगे फ्रेंड्स, तभी हमारे नाश्ते परफेक्ट बनेंगे। यहाँ पर आलू मसाला को डालकर हाथों से हल्के हल्के दबा कर हाथों को थोड़ा सा पोंछ लेंगे या धो लेंगे और उसके बाद इसे बंद करेंगे ताकि इसके ऊपर कलर नहीं आए। तो यहाँ पर इसे अच्छी तरह से बंद कर लेंगे, गोल टिकिया की तरह बना लेंगे। तो इसमें थोड़ा सा डिजाइन बनाने के लिए 1 चम्मच के किनारे से इस तरह से थोड़ा सा निशान लगा लेंगे। यहाँ पर देखिए इस तरीके से निशान लगा रहे हैं, सीधे सीधे हल्के से दबाएंगे, ज़्यादा ज़ोर से नहीं दबाएंगे। और यहाँ पर देखिए कितना सुंदर डिजाइन बन के आया है। तो जब सुंदर देखने में लगते हैं तो खाने में भी बहुत मज़ेदार लगते हैं।
यहाँ पर सभी को बनाकर तैयार कर लिए हैं। तो चलिए अब इसे फ्राई करते हैं। फ्राई करने के लिए गैस पे चढ़ाएंगे कढ़ाई, उसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे। इसमें ज़्यादा तेल नहीं लगते हैं, तो इसमें थोड़ा सा ही तेल डाले हैं। तेल गर्म होने के बाद एक एक पीस को डाल देंगे और कढ़ाई में जितने भी पीसेस आएंगे उतने पीसेस को डालकर 2 से 3 मिनट के बाद इसे पलट देंगे। तो इसे थोड़ा सा फ्राई होने में समय लगता है, तो यहाँ पर इसे मीडियम फ्लेम पे बनाएंगे। तो यहाँ पर थोड़ी देर में इसे पलट देते हैं, उलट पुलट करके सुनहरा कलर होने तक इसे फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसका कलर चेंज हो गया है, सुनहरा कलर हो गया है। तब अब इसे निकाल लेते हैं और ये नाश्ता मीडियम फ्लेम पे बनाएंगे तो ये एकदम ऊपर से क्रिस्पी बनेंगे, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। और यहाँ पर अब इसे झंझरे से निकाल लेते हैं अलग प्लेट में और एकदम आसान से ये सारे नाश्ते बनकर तैयार हो गए हैं। तो यहाँ पर देखिए इसे टमाटो केचप के साथ सर्व किए हैं और बहुत ही टेस्टी चटपटा कुरकुरा नाश्ता बनकर तैयार है। एक बार इसे बनाकर खाएंगे, समोसे कचौड़ी भी फीके लगेंगे फ्रेंड्स। तो कुछ टेस्टी चटपटा गर्मा गर्म खाना हो तो एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। यहाँ पर देखिए देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है, खाने में बहुत ही मज़ेदार लगेगा। तो फ्रेंड्स मेरी रेसिपी अच्छी लगे, मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ। यहाँ पर देखिए इसे तोड़ कर दिखाते हैं, अंदर तेल बिल्कुल नहीं जाएंगे, ज़्यादा ऑयली भी नहीं होंगे। तो यहाँ पर देखिए एकदम चटपटा नाश्ता तैयार है, इसे चटनी के साथ खाएं, एंजॉय करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।